पूरा कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड ब्लैक है, पर आपको मेरे जूते दिखेंगे नहीं दिखेंगे, देखो जूते दिखे। हाँ ये कर लो पहले। और ये ग्लव्स मैंने आज तक नहीं निकाले थे भाई, आज पहली बार निकाले हैं, आप देख सकते हो ग्लव्स मेरे। तू आशिक रहना हो तू मेरा। भैया देख रहे थे भाई क्या कर रहा है, क्या लगा रखा इसने आगे। तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना, वो मेरे तू आशिक रहना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छा हूँ। और भाई आज ना मेरे दिमाग में आए एक तबाही आइडिया, तो तबाही आइडिया के लिए मैंने क्या सोचा कि आज है संडे और संडे को होती है राइड। मेरा ऑफिस जो गुड़गांव में, और गुड़गांव से बहुत सारे राइडर मतलब सुपर बाइकर्स राइड स्टार्ट करते हैं अपनी, तो आज मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने अपनी कैब को कैंसिल कर दिया है, तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी से, भाई हमारे पास तो स्कूटी है गुड़गांव अपने ऑफिस, तो बस मैं रेडी हो गया हूँ। और भाई मैंने ये वाले ग्लव्स लिए हैं, और आज तक मैंने इसको कभी पहना नहीं है, तो आज ये फर्स्ट डे होगा जो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। KTM के हैं, अभी आपको दिखाऊंगा जब पहनूंगा। तो बस अभी हम जाने वाले राइड करने, देखते हैं कोई मिलता नहीं मिलता यार, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, पोस्ट से 8 बज जाएंगे, तो यार मेरे को लगता नहीं आज कोई सुपर बाइकर हमें देखने को मिलने वाला है, बट कोई नहीं अभी तो क्या पता मिल भी जाए, तो हम चलते हैं वहाँ पे। और बस अब मैं आपको मिलता हूँ रेडियो के सीधा अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस घर से निकल चुके हैं फाइनली, और आप मेरे ग्लव्स देख सकते हो, ग्लव्स कितने मस्त लग रहे हैं। हमारी आफ्टरनून शिफ्ट शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा भाई अगर आफ्टरनून शिफ्ट शुरू हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो अगर अभी टाइम है हमारे पास तो चलो हम एक मॉर्निंग राइड कर लेते हैं। और आज का दिन है संडे, बट मैं आपको इस राइड में बहुत ज़्यादा मजे दिलवा सकता था, बट अब पता नहीं वो दिलवा पाऊंगा नहीं दिलवा पाऊंगा, बिकॉज संडे को क्या होता है ना, संडे को सारे करते हैं राइड भाई, जितने भी सुपर बाइकर्स हैं राइड करते हैं, और हमारी तो सुपर बाइक यही है भाई अभी। इसका नाम भी नहीं रखा अभी तक, चलो अभी के लिए धन्नो रख देते हैं। वैसे तो आई लाइक जानेमन, तो इन फ्यूचर मैं कभी लूंगा बाइक वाइक तो मैं उसका नाम जानेमन रखूंगा, मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ है, अपनी जानेमन ही बोल लेते हैं अभी तो, बाइक का तो भाई कुछ पता ही नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी, बट हाँ लूंगा जरूर। हाय डॉगी हाउ आर यू। हेलो मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की। इसलिए आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, वैसे रोज 4 बजे उठ जाता हूँ, आज तुम पता है लेट जाना है, बट इसका मेन रीजन ये यार कल ना मैं वीडियो एडिट कर रहा था जो आपको आज 11 बजे देखने को मिल जाएगी, तो भाई एडिट वेडिट का भी देखना होता ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी। और जो एक चीज का जो बुरा लग रहा ना यार, आज मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को क्या करते हैं बाइकर्स राइड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट अभी हो चुका है 8, अब पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, रास्ते में तो हो सकता है एक दो टकर जाए तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि सुपर बाइक की आवाज ना भाई ठां करके लगती है मस्त। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। पिछली बार मैंने व्लॉग किया था माई फर्स्ट मोटो व्लॉग कुड गॉन रॉन्ग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो भाई, बहुत मस्त बनी थी, और उसमें तो मेरे गलती से एक अंकल जी ठुक भी जाते हैं, मतलब मेरी गलती भी नहीं थी उनकी गलती भी नहीं थी, वो एकदम से आगे आगे थे। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट व्लॉग सो यू कैन गो टू माई चैनल एंड यू कैन वॉच दैट व्लॉग टू, बट पहले ये वाला देख लेना भाई, भाग में जाना कहीं। सो बस आज मैंने बहुत अच्छे से GoPro सेट किया, कोशिश करी है कि मैं माइक भी, मतलब माइक तो अभी मेरे पास नहीं है इसका, बट मैंने एक जुगाड़ किया है, अब एडिटिंग के टाइम देखूंगा कि पता नहीं आवाज यार उसमें सही आ रही नहीं आ रही, आई जस्ट होप कि आवाज सही आ जाए, और बस विंड नॉइज काफी आएगी यार, बट चलो कोई नहीं, अपने पास सारे जुगाड़ है, एडिटिंग के टाइम हम देख लेंगे। और ये ग्लव्स मैंने आज तक नहीं निकाले थे भाई, आज पहली बार निकाले हैं, आप देख सकते हो ग्लव्स। तो बताना कमेंट करके कि भाई ग्लव्स कैसे लग रहे हैं, KTM के हैं ये। सो भाई पूरी कोशिश ये है कि आधे घंटे तक हमें पहुंचना है, और बस पेट्रोल तो भी इसमें है भगवान की कृपा से, अभी लास्ट टाइम फुल करवाया था मैंने, और यार अभी ना ये देखो आप देख सकते हो व्हाइट टी शर्ट में पहन के आ गया हूँ, व्हाइट एंड ब्लैक, पूरा कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड ब्लैक है, पता नहीं आपको मेरे जूते दिखेंगे नहीं दिखेंगे, देखो जूते दिखे। हाँ ये कर लो पहले। पूरा कॉम्बिनेशन मेरा ऊपर से नीचे व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट है, जबकि वो
वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। भाई सामने खड़े हैं मामा जी, देख सकते हो, यही है कि वो मेरे पास आ ना जाए। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स रहते ही है मेरे पास। झूठ बोल रहा है भाई, हमारे लिए तो यही है भाई, सुपर बाइक अभी नहीं है भाई, पैसे वो सहित रहा। वैसे हाँ मेरा मन तो है, बट इतने पैसे नहीं होते यार जो मैं कभी सुपर बाइक लूँ, तो वो तो मुश्किल है मतलब। बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अपने मन में तो अच्छा ही सोचना चाहिए, तो मैं अच्छा ही सोचता हूँ भाई। भगवान ने कभी इतने पैसे दिए तो सुपर बाइक जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे यार। और भाई मेरे को ग्लव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने गोप्रो का एंगल ना बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि मैं गोप्रो का एंगल बहुत अच्छे से सेट करूं। अब आप बता देना आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब तो आ रही बारात। हेलो गाइस, गाइस जब मैंने पहले मोटर ब्लॉग भी किया था ना, तब भी मेरे को गाय माता जरूर दिखी थी, आज भी दिखी है। देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे में। भैया देख रहे थे भाई क्या कर रहा है, क्या लगा रखा इसने आगे। और यार मेरी स्कूटी ना एवरेज कम देती है, मतलब 29 30 25 से 30 के बीच में देती है। वैसे भी ठीक है, बट अगर स्कूटियों के हिसाब से देखा जाए तो कम है, बट भाई ये भागती बहुत तगड़ी है भाई, नजर ना लगे भगवान जी। ये भाई मजाक नहीं, मेरे को स्कूटी जैसे फील नहीं देती है भाई। तो भाई इसका पिकअप बहुत बढ़िया है, मस्त भागती है। जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन, रे मन हसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। अरे यार शिट यार, जैसे मैंने कैमरा बंद किया ना, बिल्कुल मेरे पास से प्लेन गया यार, क्योंकि यहीं पे साइड में एयरपोर्ट है ना। अरे भाई 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 भाई, भाई साहब यार ये बेचारा कहाँ सो रहा है भाई। उस बंदे ने एकदम से ब्रेक मार ली थी, फिर मैंने कंट्रोल कर ली। सो गाइस यहाँ से शुरू होता है मेन हाईवे, अब यही मेरे को चलना है कम से कम 15 किलोमीटर के आसपास मेरे ऑफिस तक पहुँचने के लिए। और भाई इस रोड में ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो भगवान से मैं प्रे करता हूँ, भगवान किसी को चोट ना लगे, किसी को भी एक्सीडेंट कुछ ना हो। और वो कैमरा वो हमारा ब्लॉग कर रहे हैं, हम उनका ब्लॉग कर रहे हैं, तो मेरे को चलान भेज दे। यहाँ पे सारे बाइकर इकट्ठा होते हैं, सामने 24/7 दिख रहा है ना, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है यार, सारे चले गए। मैं अपनी सुपर बाइक किसके साथ चलाऊं? तो भाई बहुत सारे ब्लॉगरों के चैनल पे आपने ये वाला मॉल या ये वाला रूट देखा होगा, तो भाई आज है जो मेन ब्लॉगर इस चीज को इस जगह को कवर कर रहा है। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। चलो भाई यहाँ लगी है हमारी स्कूटी। यार हमारे ऑफिस का बैकयार्ड है, देखो कितना सुंदर है। आपको हेलमेट से सिनेमैटिक दिखा दूंगा। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। तो चलो गाइस ऑफिस का टाइम हो गया, अब हम चलते हैं ऑफिस, काम करेंगे, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बाय। क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे में। अब चल जाने दे जो भी बीत,
ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। हम लोग मामा जी बैठे हैं तो मामा जी को नमस्ते दूर से ज्यादा पास से रुके क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मिस अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और ऐसा